हेलो बच्चों जय मेन दो का क्वेश्चन है ये फोर्थ अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का एंड इन फाइनाइटली लॉन्ग पॉजिटिवली चार्ज स्ट्रेट थ्रेड हैज लीनियर चार्ज चार्जेंस लैमरा कुलम मीटर एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अलोंग अ सर्कुलर पाथ हैविंग एक्सिस अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर द ग्राफ दैट करेक्टली रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ कनेक्टिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एज अ फंक्शन ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ फ्रॉम द वायर देखिए यहाँ पे जो बोला गया आपसे बोला गया आप कैनेटिक एनर्जी और डिस्टेंस का ग्राफ ड्रॉ कीजिए ठीक है या फिर काइनेटिक एनर्जी और रेडियस का ग्राफ ड्रॉ कीजिए जैसे ये वायर हो गया इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा हो गया ठीक तो अब आपसे बोला जा रहा है कि इसके चारों तरफ ना सर्कुलर पाथ पे एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इसके चारों तरफ एक, एक सर्कुलर पाथ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व हो रहा है तो आप बताइए कि यहाँ पर इसके काइनेटिक एनर्जी ठीक है और रेडियस के बीच में क्या ग्राफ होगा ठीक है काइनेटिक एनर्जी एंड रेडियस के बीच में क्या ग्राफ होगा ठीक है तो हम लोग क्या लिखेंगे देखिए काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है एंड कोई भी जब सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा तो उस पर जो सेंट्रपिटल फोर्स होगा ठीक है उसको हम लोग उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर करेंगे क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखेंगे तो देखिए इस पॉइंट पर मान लीजिए कि ये इसका रेडियस हो गया तो इस पॉइंट पी पर इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा इस स्ट्रेट वायर की से जो कि इनफाइनाइट लेंथ का है टू के लैमरा बाई आर इतना मिलेगा हम लोगों को ठीक है अब अगर इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दें है ना चार्ज इन टू इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करते हैं हमें क्या मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स ठीक है इलेक्ट्रिक फोर्स अब अगर हमें इलेक्ट्रिक फोर्स मालूम हो गया तो हम उसको सेंटरबिटल फोर्स के बराबर कर सकते हैं ठीक है तो टू के लैमडा इंटू ई अपॉन आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर तो ये आर से आर हम कैंसिल कर दें ठीक है तो क्योंकि जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उस के बराबर होगा बच्चों तो वी इज इक्वल टू रूट ओवर टू के लैमडा ई बाई एम तो वोटिक्पीड पूछा तो ये स्पीड निकाल लेते हैं ठीक है तो एक तो मतलब ये भी फार्मूला आपको मालूम हो गया दूसरा चीज पूछा है कैनेडिक एनर्जी है तो यहां पे एम वी स्क्वायर भाई आपको क्या मिला टू के लैमडा ई अब इसमें हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हाफ से मल्टीप्लाई करते ही टू के लेमडा ई तो अब देखिए यहाँ से ये जो काइनेटिक ये पूरा काइनेटिक एनर्जी हो गया और ये काइनेटिक एनर्जी देखिए कहीं पर भी आर पे डिपेंड नहीं कर रहा ये काइनेटिक एनर्जी देखिए कहीं पर भी रेडियस पर डिपेंड नहीं कर रहा है ठीक है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि कैनेडी कनर्जी का जो ग्राफ होगा रेडियस के साथ वो स्ट्रेट लाइन होगा पैरल टू आर एक्सिस दैट इज ऑप्शन नंबर टू इज अ राइट आंसर